नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं कुणाल सिंह। आपको बता दें कि सुवेना देवी कल्याण समिति की तरफ से रूपाली इनक्लेव आनंद धाम चौधरी चरण सिंह मार्ग कराला नई दिल्ली में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों ने मधुर स्वर में गाना गाया, दर्शकों को योग अभ्यास के साथ साथ जूडो और कराटे का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे पंडाल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर कवलजीत कौर ने कार्यक्रम के आयोजन पर लोगों एवं अतिथियों का सम्मान सहित धन्यवाद दिया। साथ ही हेमंत कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट ने दिल्ली सिविल डिफेंस के योद्धाओं को सम्मानित किया एवं साथ ही क्षेत्र की निगम पार्षद भी उपस्थित रहीं। अब देखिए कराला से हमारे संवाददाता एस के सागर की रिपोर्ट। हमारी पार्षद जी बैठी हुई है, उनका भी शून्य दीजिए। मेरा नाम कविता है और मैं 179 से भर्ती हूँ, कंजावला डिवीज़न से। और जो हमारे को यहाँ पर आमंत्रित करके मैडम ने हमें जो सम्मानित किया गया है, उससे हम बहुत ही खुश हैं। और हम अपना कार्य जो कर रहे थे कोरोना में, तो वो भी हम अपना बड़े मन से कर रहे थे, इसलिए हम आज बहुत ही खुश हैं जो कि हमें यहाँ पर मैडम ने बुला के हमें सम्मानित किया। मैं आज बहुत अच्छा लगा, मैडम से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और मैं भी दिल्ली सिविल डिफेंस में हूँ और वैसे भी सिंगर भी हूँ, कीर्तन वगैरह भी करती हूँ। बोल गाने वाले हाँ, एक दो लाइन। वो देसी देसी क्या है जिसमें लेते हैं जन्म शहीद नहीं, वो लेते हैं जन्म शहीद नहीं। वो देसी देसी क्या है जिसमें मर मिटने की तरजीत नहीं, वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है, जिसने कायर सुत जाया है। वो पूत पूत क्या है जिसने माता का दूध लजाया है। जैसे कैसा लगा आपको? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम गौरव है, मैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ सर, SDM कोर्ट से। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आज हमें सम्मानित करा। हमें बेहद खुशी है कि हमारी पूरी टीम को सम्मानित करा इन्होंने। और हम इस संस्था से ज़्यादा भारी से भारी तादाद में जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये चैन बहुत लंबी हो। सर हमारी जो क्षेत्र की कॉलोनी है, कॉलोनियों में बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं हर रोज जो है देखता हूँ। उन दिक्कतों को ना तो MCD पूरा करती है ना कोई अधिकारी पूरा करता है, तो मेरे दिल में भी एक ख्याल आया कि मैं भी जो है एक छोटा सा है, एक NGO के थ्रू जो है संस्था के थ्रू किसी कार्यक्रम को बना के और उस कार्य को जो है पूरा करवाऊं और उस समिति के नाम को आगे बढ़ाऊं। अभी हमारे साथ बहुत सारी जो है छोटी छोटी समस्याएं, हम उनको जो है पूरा करेंगे। और भी जो बड़ी समस्या होंगी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उनको जो है पूरा किया जाएगा। हाँ जी, क्योंकि सर उन्होंने ही जो हमने देखा स्कूलों में जब कोरोना के समय सिविल डिफेंस वालों ने जो है सबसे ज्यादा काम करा, कई स्कूलों में जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ और कई जगह जो है मैं राशन में खुद गया और स्कूलों के अंदर भी देखा और राशन सेंटर पे भी देखा और जहाँ खाना बट रहा था वहाँ भी देखा। जो सिविल डिफेंस के लोगों ने काम करा वो बहुत ही तारीफ काबिल है। मेरा नाम खुद गौरव चोपड़ा है, मैं दिल्ली सेक्रेटरी हूँ अपनी सुनैना देवी कल्याण समिति में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे गौरव जी ने एनोथराइज कॉलोनी है हमारी, इस कॉलोनी को ना बहुत एनोथराइज कॉलोनी की तरफ आजकल कोई ध्यान नहीं देता। ये बहुत तारीफ के काबिल लायक हैं कि इन्होंने गरीबों की, हमारी एनोथराइज कॉलोनी में नालियाँ, पानी कुछ नहीं था, इन सब में इन्होंने योगदान दिया है बहुत बड़ा। और सबके साथ काम करना चाहते हैं और गरीबों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही, हर चीज़ में ये मदद करते हैं।
थैंक यू। मैं हेमंत कुमार हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट हूँ पूरे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, और साथ में डिप्टी चीफ वार्डन हूँ दिल्ली सिविल डिफेंस। जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है की तरफ से, और चाहूंगा कि इस तरह के पुनर्वास कॉलोनी के अंदर इस तरह के इवेंट होते हैं तो लोगों को एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, लोग अच्छे समाज सेवा से जुड़ने के लिए आगे आते हैं, और जिस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है समाज सेवकों से मिलने के लिए, छोटे से छोटे जो तबका उन तक ये सारी सर्विसेज पहुँच सके, तो इस तरह के इवेंट अगर होते रहेंगे तो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट से वो जुड़ते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा मैडम को थैंक यू कहूंगा कि इस तरह का इवेंट वो फ्यूचर में भी करते रहे, और जो कंझावला वो एकदम बिल्कुल सब रूरल एरिया से बिल्कुल अर्बन से एकदम से बिल्कुल अलग है, तो अगर ये भी डेवलपमेंट में जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कि डीएम ऑफिस नजदीक होने के बावजूद यहाँ पर उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है, तो अगर इस तरह के इवेंट्स होंगे लोग यहाँ आते जुटते रहेंगे तो क्राउड मिलता रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के बेनिफिट करेगा जो जिस तरह की ऐसी महामारी जो रही है उसमें कॉन्टेक्ट करने में बहुत आसानी है। जिस तरह से अभी महामारी में इतने सारे जो पुलिसकर्मी थे उनका लाइफ कैसा रहा, जिस तरह से आप हमेशा क्वारंटाइन सेंटर में रहे, कैसा आपका लाइफ था उस समय? ये सभी मोस्टली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं और एक स्वयंसेवी के रूप में काम करते हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसमें एक आम आदमी जुड़ता है और निष्काम सेवा भाव से काम करता है, बहुत स्ट्रगल्स इन्होंने फेस किए, बहुत हर्डल इन्होंने फेस किए, इतना लार्ज स्केल पे एकदम से लॉकडाउन हो गया और लोगों को वहाँ सब जो फैसिलिटीज हैं वो पहुँचाने में बड़ी दिक्कतें आई, और लोगों को समझाना सबसे बड़ी बात थी क्योंकि ये ऐसी एक बीमारी थी जो पता नहीं चल रहा था कैसे इन्फेक्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज आ ही रहे थे, हमारे भी कई वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड हुए, कई क्वारंटाइन के लिए गए, कुछ वॉलंटियर्स ऐसे भी हैं जो स्टेट लेवल पे जिनकी डेथ भी हो गई, लेकिन फिर भी जो लोग हैं जो सिविल डिफेंस संस्था से जुड़े उनका बेनिफिट यही रहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये मदद करी और कोरोना वायरस के टाइम में उन सब लोगों के लिए हेल्प करी। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि फ्यूचर में भी मैडम की तरफ से और इसके अलावा जो और भी एनजीओ जो यहाँ आके इस तरह के इवेंट देख रही हैं, जो इस सब डिवीजन कंजावला क्षेत्र में जो लगती हैं, जो इसके आसपास के और जो गांव हैं जो काम कर रही हैं, वो भी ऐसा इवेंट करें, लोगों को एकत्रित करें और छोटे छोटे टेक्निक्स बताएं ताकि वो एनजीओ से जुड़े और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है उनको प्रॉपर तरीके से लें। मैं पहले तो सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आए, और मैं यही संदेश देना चाहूंगी जैसे कि हम लोग ने कोरोना के टाइम में आगे बढ़ चढ़ के काम किया, सब एनजीओ ने, सब पुलिस वालों ने, सफाई डॉक्टर नर्सेस, और सब लोगों को ये कहना चाहूंगी कि एक दूसरे से प्रेरित हो, एक दूसरे से सीखें और आगे बढ़ के मिल के काम करें, तभी ही हम देश को एक, जैसे कि अभी हमने यहाँ कराला में किया, और मैं जैसे सर ने बोला कि कंजावला एसडीएम ऑफिस होते हुए भी वो पिछड़ा हुआ है, तो मैं सर को ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगला कार्यक्रम वहाँ पे आके करूँगी और एक मीटिंग ऐसी लूंगी लोगों की वहाँ पे और उनको बताऊंगी छोटी छोटी टिप्स कि हमें कैसे मिलके साथ में मिलके काम करना चाहिए। मैं कवलजीत कौर गई, महिला अध्यक्षता समिति में सेक्रेटरी हूँ और उनकी वहाँ की कन्वीनियर हूँ, और सुनैना देवी में सेक्रेटरी हूँ और दिल्ली महिला अध्यक्ष हूँ और प्रभारी हूँ, ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ, और मैंने अपनी 35 साल एयरफोर्स स्कूल में नौकरी करी है। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।